वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और आज है जो है ब्यूटी सेगमेंट। ये ब्यूटी सेगमेंट है, असल में वो दाल बन के आ गई है और बहुत मजे की लजीज लगी, मैंने खाई, टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बात हो रही है ब्यूटी सेगमेंट की, और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, और आपने ये भी देखा होगा जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो कुछ चीज़ें इन होती, कुछ आउट होती हैं। कुछ लोग शिमर यूज़ करते हैं, कुछ लोग ब्लश ऑन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट मेकओवर यूज़ करते हैं, कुछ मेरी तरह हेयर स्टाइल को इन करते हैं, पार्टी मेकओवर डिफरेंट होता है, कुछ लोग जो है वो ज़रा से ऊंचे जूड़े इस्तेमाल करते हैं। तो हर तरह का जो फैशन है वो हमारे जो है डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, और कभी कभी बहुत डिफरेंट होता है। तो हमें हर चीज़ डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है। और कुछ लोग ऐसे सीनियर होते हैं जो जब काम वो करते थे, अभी भी करें, उनका एक अलग सा हुआ स्टाइल से, उनका हमेशा सदाबहार रिप्रेजेंटिंग रही है। तो आज हमारे दरमियान एक ऐसी सदाबहार हीरोइन नहीं, सदाबहार ब्यूटिशियन मौजूद हैं, और उन्हें बहुत सारी ब्यूटिशियन को ऑब्लाइज किया है। और एक वक्त होता था इंडस पे 16 सिंगार का एक प्रोग्राम होता था, मॉर्निंग शो, उसमें अंबर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सब ब्यूटिशियंस को बुलवाती थी, उस वक्त वो लोग वहाँ जाती थी। आज मुझे अच्छा लगा, ऑफकोर्स मेरी भी उनसे बहुत अच्छी एक इंट्रैक्शन है, दोस्ती है, तो मैंने कहा आज हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। कौन है? जी हाँ, रीजा यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेप इन सलोन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मिजाज है? क्या बात है, ये इतनी सलीस उर्दू मुझसे ना पूछिए, कैसे हैं मिजाज यारों के? बिल्कुल हम ठीक हैं, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये अरसा है 10 साल पुराना ख्याल है। अच्छा, एक और बताएं, माशाल्लाह मैं एक और नाज़िम, माशाल्लाह ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कोर्सेज भी किए हैं, सीखा भी है, सिखाया भी है, ये बड़ी बात है। हमारे दरमियान आप मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि लाजमी बात है कि हम लोग बहुत अरसा फाबा से मुंसलिक रहे। पहले मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर होती थी, तो वहाँ प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करना ये सब होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि फिर फाबा के थ्रू हम लोग बाहर जाते थे, ट्रेनिंग के लिए जाते थे, एशिया पैसिफिक में जाते थे, और फिर वहाँ रूहाना भाभी वगैरह हमारा पूरा उनका ग्रुप होता था। वहाँ मेरे काफ़ी जब कंपटीशन में हिस्सा लेते थे तो वहाँ पर हम लोग जो है ट्रेनिंग भी करते थे, क्योंकि अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो वहाँ का आप कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग, क्योंकि वहाँ पिविट पॉइंट से हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी। अगर आप शंघाई जा रहे हैं तो वहाँ से ट्रेनिंग, श्रीलंका, इंडिया, तो इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में जाने से फ़ायदा ये हुआ कि बहुत कुछ सीख लिया, डिफरेंट चीज़ें। हाँ ना, देखिए ये तो अच्छा है ना कि यूनिक चीज़ें सीखने को मौका मिलता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो वहाँ का भी कुछ देखना चाहते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं। पता है, होता ये है कि जैसे एक पैशन होता है ना आपके पास, जैसे मैं एशिया पैसिफिक जाती थी तो हम रेगुलर जाते थे, फिर वहाँ पर लाजिब आता है कि जब आप इतनी बड़ी गेट टुगेदर देखते हैं, यानी कि 80 आपके मुख्तलिफ जो है कंट्री ममालिक आते हैं, और वहाँ पर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आपको नॉलेज गेन करता है। आप देखते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। देखिए बहुत सारे, जैसे अब हमारी कटिंग में उनकी कटिंग में बहुत फ़र्क है, वो थिनिंग की तरफ जाते हैं, हम थिकनेस की तरफ जाते हैं, तो लेकिन क्या टेक्निक मेन चीज़ है, टेक्निक बहुत। आज हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपने हमें टिप्स देनी है। हमारे साथ रीजा मौजूद है, हमारे जो मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठी हैं, और मेरे अक्सर मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, हेयर स्टाइल के डिफरेंट डिफरेंट अंदाज इन्होंने प्रेजेंट किए हैं, बहुत ही सीनियर हैं, माशाल्लाह टीचर भी हैं, और यहाँ पर मौजूद हैं एच के सलोन से हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या सिखा रहे हो आप? आज मैं एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल सिखा रही हूँ, मेरा क्रिएट किया हुआ है कि डिज ब्रेड के साथ हम फिश टेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिज ब्रेड के साथ हम फिश टेल बनाएंगे। इतनी मुश्किल मुश्किल लैंग्वेज है ब्यूटिशियन की। हाँ, तो कुछ भी जब जो ये कह रही है ना वो ये। अच्छा, साथ साथ ये रिपीट करते रहना, जब भी मैं अभी आपको ऑफ कोर्स मौका दूंगी, अभी आप खड़े होकर प्रेजेंट करोगे डमी के ऊपर, तो आपने ये जो बताया ना ये बार बार बताना, इस स्टाइल का नाम ये, ठीक है, ताकि हमारी जो ब्यूटिशियन वहाँ बैठी है वो सीखती हैं आपसे ना। तो बिल्कुल, ये भी हमारे साथ मौजूद है, और एक अभी यहाँ पर वो ब्यूटिशियन मौजूद है जिन्होंने ब्राइडल मेकओवर जो है लेटेस्ट स्टाइल में जो चल रहा है वो रेड सूट है, क्या जबरदस्त कलर है। तो यहाँ पे मौजूद है ब्यूटिशियन वरीशा फ्रॉम गुड़िया सलोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो वरीशा? अरे वाह भाई वाह, क्या ब्राइड, पूरा माशाल्लाह जबरदस्त। क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए हम लोगों ने, मैं जरा कहूँगी सोचा क्लोज कीजिए और फिर हम लोग इनसे पूछते हैं। चंदा, सबसे पहले आपने थोड़ा ब्रीफ कर दें कि बेस लगाया
कौन से ब्रांड आपने यूज किया, उसके बाद क्या ऊपर कॉम्पैक्ट लगाया, क्या क्या जो चीजें लगाई वो बताएं, फिर आई मेकअप कीजिएगा, ठीक है? मैंने पहले इनकी ये जो ब्लैक हेड्स वगैरह, ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल किए, फिर कैरलॉन की 45 स्टिक, ठीक है, फिर ग्लैमर का F2 लगाया मैंने। अच्छा जी, पानी पी लो मेरी शहजादी, क्या हो गला खराब हो रहा है? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। कैरलॉन का आपने बेस लगाया, जी, गुड हो गया। नेक्स्ट, और ग्लैमर का पैनकेक लगाया, पैनकेक ग्लैमर का, और नेक्स्ट फिर आपने क्या किया? और ग्लैमर का वो कॉम्पैक्ट, क्या बात है, कॉम्पैक्ट लगा के इसको पूरे स्मूथ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर सिर्फ आई मेकओवर करना है। अच्छा, ये रेड सूट आपने, जरा सोनिया इस साइड हो ना, मेरा शहजादा, मैं भी देख लूं थोड़ा सा, ये वाह भाई वाह, ज्वेलरी हर चीज आपने बड़ी, और स्टाइल भी बड़ा जबरदस्त, क्या प्यारा जबरदस्त रीजा, कैसे लग रहे हैं ना, जबरदस्त लग रहे हैं, अच्छा बनाया है इसने वर्षा ने। वर्षा आप आई मेकओवर करो, हम साथ साथ हम देखते रहेंगे, नाजीन भी देखेगी। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी रीजा के पास चलने हैं, रीजा से बात करती हूँ। रीजा ये बताइएगा कि ऑफकोर्स जैसे आपने कहा हेयर टेक्निक, ये टेक्निक क्या सीजर पकड़ने में होती है, ये टेक्निक रेलेवेंट टू हेयर स्टाइल में होती है कि भाई इतने बाल हैं तो हम उसको इस तरह नहीं, देखें सबसे पहले तो ये मुझे याद है कि इतनी दफ़ा कोर्सेज यहाँ से इतने साल हो गए कोर्सेज किए हुए, और लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना तो हर जगह का ना एक नया स्टाइल होता है, लेकिन सीजन मेन जो होती है उसकी थोड़ी सी टेक्निक होती है जो सिर्फ आपके थंब से चलती है। अच्छा, मेन ये है कि जब आप कटिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना होता है उसका चेहरा क्या है, राउंड है, लॉन्ग है, और या बहुत ज़्यादा गाल पिचके में, ठीक है, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फेस आपकी कटिंग होती है, ये नहीं कि आपने उसकी कटिंग देखी और कह दिया कि हमने ऐसी कटिंग करवाना, बिल्कुल नहीं। आपको अपने उनके फेस के लिहाज से आपको सजेस्ट करना है कि आपने ये हेयर कट लेना है और ये हेयर कट या हेयर स्टाइल आपको सूट करता है। बहुत सारे देखिए, अगर जैसे आप थोड़ा सा शोल्डर आपका ब्रॉड है, ठीक है, और आप बल्गी से हैं और उस पर आप बॉब कट ले लेते हैं तो आपका क्या है, लुक जो है एक चौड़ा चौड़ा नज़र आता है। लेकिन जगह अगर आप थोड़ा सा यू शेप ले लेते हैं, डीप यू शेप स्टेप कटिंग ले लेते हैं तो आपका लुक थोड़ा सा स्लिम आ जाता है। ओके, तो कटिंग के बेसिकली कट्स होते हैं और ये आपको खुद सजेस्ट करना होता है कि आपको क्या सूट करता है। अरे वाह भाई भाई, ये देखें, ये देखें, एक ब्यूटिशियन के लिए एक एक टेक्निक है देखा जाए कि भाई अगर हम, और ये हर चीज़ में होता है मेरे ख्याल में, मेकओवर करने के लिए पहले भी, अब ये नहीं कि मुझे इस जैसा बना दो, नॉट पॉसिबल, आप इस जैसा नहीं बन सकते हो। कभी कभी आप ब्यूटिशियन बड़ी कॉमेडी करते हो, मुझे हंसी भी आती, कहते हैं अब उनकी उम्र इतनी इतनी होती, कहते हैं जी मैं जो है ऐश्वर्या राय, नॉट पॉसिबल यार, वो उनका वो ड्रेसिंग वो मेकओवर तो होता है समटाइम, कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं तो आपके हेयर स्टाइल आपके चेहरे पे क्या सूट कर रहा है, और यकीन करें आप अगर अपने ऊपर जो सूट कर रहा है वैसा आप प्रेजेंट करें तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। असल साबी दरअसल बात ये होती है, दिल हमेशा जवान रहता है। चलिए, बात गली बात खत्म हो गई जी, जिधर से शुरू थी। आपको पता है अगर कहीं औरत कभी भी किसी भी उम्र में चली जाए, दिल वो ये उम्र से वो बूढ़ा हो सकता है, दिल से कभी बूढ़ा नहीं, ये फैक्ट है जी, और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए जी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत उम्र में भी, हम लोग उनको बड़े मायूब नज़र से देखते हैं, ये गलत है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें। वो अगर वो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, तो हम लोग इतने गलत टोंट करते हैं जो बुड्ढी गोरी लाल लगाम, ये गलत। असल पता है, मैंने बहुत गलत ना एरोबिक योगा वगैरह की भी क्लासेस हमारे यहाँ, क्योंकि पहले अरेंज होती थी तो मेरे पास हर मतलब एज का जो है ग्रुप होता था, मैंने उनमें, क्योंकि मेरी आदत है कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा करने की, मतलब गपशप करने की, ऐसे नहीं कि खामोशी आप बैठ जाएं कहीं पे भी हों, तो उसमें जब हम लोग कन्वर्सेशन करते थे तो आप यकीन करें कि हर बंदे का दिल जवान होता था, वो कभी ये नहीं चाहता था कि मैं इस उम्र में आ गई हूँ तो मुझे बहुत सोबर सा रहना, नहीं। जब आप हंसी मजाक करते थे तो वो भी वैसी लाइवली हंसी मजाक करते, तो दिल हमेशा जवान रहता है, लेकिन ये कि मसलियतन हालात के तहत आप बदल जाते हैं, अपने घर के रख रखाव से आप थोड़ा सा देख कर खामोश हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि जी अब हमें ऐसा नहीं रहना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उनके अंदर दरा खोल के देखें तो आपको हर चीज़ बहुत प्रॉपर बिल्कुल जवानों वाली नज़र आती है,
और मेरा ख्याल है कि वो लोग बहुत ज़िंदा दिल रहते हैं, खुशनुमा रहते हैं, बहुत ज़्यादा जवान रहते हैं, जो अंदर से खुश रहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने बहुत अच्छी बात कही, देखें अगर हम किसी के दुख में जाते हैं तो हमारा एक अलग सा रिस्पॉन्स होता है, तो बिल्कुल इसी तरह जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो पिकनिक का मूड अभी उसमें ये कंपेयर करें कि ये जो बूढ़ा है ये इंजॉय नहीं कर सकता, अगर हम शादी में जाते तो सब डांस करें तो उसका भी बिल्कुल हक बनता है, वो भी लुड्डी डाले इंजॉय करें। अब हम लोग अरे यार इसका क्या काम, ये बहुत गलत है, ये गलत है। अगर उसका जैसे आपने कहा अंदर से इंसान का तो बच्चा ही दिल होता है, बच्चा दिल होता है वो हमेशा, आप जरा सा उसको आप अपने इन्वॉल्व करके कुछ कार्य जरा सा तो वो खुल के सामने आ जाता है। बिल्कुल, रीजा ने बहुत प्रैक्टिस की क्योंकि ये रेकी मास्टर भी है एनर्जेटिक, ना भी बोलिए। लेकिन आप फिर यही हम ही में से लोग होते हैं कहते हैं अल्लाह इसको शर्म नहीं आती, बहू वाला है बेटियों वाला है, क्या कर रहे हैं, अपनी मम्मी को अपनी सास को सबको उठा देती हूं। अच्छा, हिंदी होती ना हमारा, एंजॉय करो, एंजॉय करो, और यही जिंदगी है, यही खुशियां हैं, और यही खुशियां बांटें आप तो खुश भी रहेंगे। अच्छा जी हिना, आप जरा, मैं चाह रही हूँ आप हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं नाज़िम, और हिना इस वक्त खड़ी हो गई है और इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, और हिना कौन सा स्टाइल है जरा बात साथ साथ, गिजब्रेड यानी हम उर्दू ज़बान में बोल सकते हैं सीधे बल की चोटी। अच्छा, जो हमारी पुरानी दादी वगैरह हमारी जो मनाती थी ना, ठीक वैसी उसी के साथ ही फिशटेल बनाऊंगी। ओके ठीक है जी, ये इन्होंने कहा दादी नानी वाली फिशटेल, और ये बोलते हैं कौन सी उर्दू में कौन सी चोटी, सीधे बल की चोटी, सीधे बल की चोटी। ओके, ये सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, थ्री हमने बल लिया इसके, ओके, और इसको हमने नीचे से एक बल हमने लॉक के लिए दे दिया, ठीक है, एक बल लॉक के। ओके, जब हम ऊपर इस साइड पे आएंगे ना तो हम इसमें से एक लेयर निकाल देंगे, ठीक है, एक लेयर निकाल के, ओके, और इसी में ही ऐड करते जाएंगे बालों को इधर से भी और उधर से भी। वाओ, अच्छा जी, पहले लोग यार फ्रेंच और ये खजूर की चोटी वही सबसे आसान है जो हर कोई बना ले, वो बहुत ना ओल्ड फैशन हो गया, उसी को लेटेस्ट करके ना दोनों का मिक्सचर बना, मैं समझ रही हूँ, हालात चेंज हो गए, हालात चेंज, वैरायटी मांगता है क्लाइंट। अरे यार फेसबुक पे आप जब देखो ना हेयर स्टाइल, वो एक बन मतलब इतनी जल्दी जल्दी जोड़ों के डिफरेंट स्टाइल, वो यूं कर दो तो उसमें यूं बटरफ्लाई लगा दो, यूं कर दो तो यूं बना दो, एक्सेसरीज बहुत मायने रखती, बहुत बहुत, और आ भी गई है बहुत सारी चीजें ना। लेकिन यार चीज रीजा में बुरा मत मनाइएगा, फेसबुक से तो आप देख सकते हो, प्रैक्टिस से आपको आती है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकती। दरअसल बात ये होती है कि देखिए कोई चीज देखने से ना आपको इतना याद, आप बहुत प्रैक्टिकली हैं तब तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये कि आपने देखे देखे बनाना है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, आप थोड़ी बहुत तो कोशिश कर सकते हैं लेकिन पूरा वैसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर जो हमें यूट्यूब पे जो सिखा रहे होते हैं ना वो बीच में से थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, अगर हम प्रॉपरली जो उसी आ रही हैं एक बात है कि मैं यूट्यूब पे हम लोग अपना प्रोग्राम देते हैं तो हमारी पूरी चीजें आपको पूरी पूरी मिलेंगी आपको, लेकिन आप फिर से मुतमईन होते हैं फिर भी सीख नहीं पाएंगे, ये फिर भी नहीं सीख पाएंगे क्योंकि हर चीज सीखना मुश्किल, जब तक देखे अगर सब लोग इधर से ही सीख लें तो इंस्ट्रक्टर टीचर की जरूरत ही ना रहे, पॉसिबल नहीं है ना, जब तक आपके पास जस्ट लाइक फेसबुक ऐसे कि आपके पास एक किताबें पढ़ी है लेकिन आपको गाइडलाइन देने वाला गाइडलाइन मिल जाती है, पॉसिबल नहीं है ना, जब तक आपके आपको राइट एंड रॉन्ग करने वाला नहीं, आपने गलत किया तो उसको सही करने वाला। मैं अभी आपको बता रही थी ना कि देखें कटिंग की सीजन में चलाना सबसे मेन काम जो होता है वो ही नहीं आता, हम पूरी उंगलियों का चलाते हैं, तो मेन चीज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टेक्निक आप सीखते हैं। जी नाज़रीन, साथ साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ब्राइडल की पिक्चर स्क्रीन पर मेंशन हो रही है और इन्होंने आई मेकअप स्टार्ट कर लिया है। परीक्षा ये बताइएगा सबसे पहले आपने बेस आई का कौन सा लगाया ताकि हम स्क्रीन पर बड़ा जबरदस्त लग रहा है। गोल्डन शेड लगा, ठीक है, गोल्डन शेड लगाया ड्रेस के मुताबिक, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ग्रीस बनाई गई, ठीक है, सॉकेट बनाया, गुड, अब थोड़ा शिमर बेस, माशाल्लाह बड़ी प्रोफेशनली है वो, एक अलग बात है स्क्रीन पर वो नहीं बात कर रही है लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंट बहुत अच्छा कर रही है। रीजा स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ प्रेजेंट बहुत खूबसूरत कर रही है, काम बोल रहे हैं महबूब के किया जाता है, अगर आप बातें कर रहे हैं तो आपका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है, मेरा ख्याल महबूब के काम करना बहुत अच्छा रहता है। अरे यहाँ पर रीजा यकीन करें तीन ब्यूटिशियन होती है उसके बावजूद आप जैसे लोग सीनियर को टॉकिंग के लिए बुलवाती हूँ क्योंकि उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती, सही है। मैं कहती हूँ वो अगर बात करेंगे तो काम नहीं कर, वो देखिए खड़े होकर बात किया ना उन्होंने, अगर वो बात कर देंगे तो काम उनका रह जाएगा, तो मैं उनको कहती हूँ आप अपना काम प्रेजेंट कर लो तो वो उससे क्या होता है इजिएस्ट हो जाता है। अच्छा जी हम जिस स्टाइल की जानिब चलते हैं, साथ साथ क्लिप हो रहा है माशाल्लाह जबरदस्त, आप हर चीज देख रहे हो कि कैसे प्रेजेंट हो रहा है
और हेना कोमल इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। पूरा मैं नीचे तक इसी तरह जाऊंगी, यस, कि टिच ब्रेड बनाती रहूंगी, यहाँ से लेयर लेती रहूंगी, ऐड करती रहूंगी, यहाँ से भी ऐड करूंगी, लेकिन यहाँ से एक एक लेयर निकालती रहूंगी। वाओ, ये देखे नाज़रीन, ये साथ साथ गाइड भी कर रही है कि हमने इसको इस तरह थोड़ा यहाँ से लगे तो फ्रेंच लग रहा है, फिर वही बात है कुछ मिक्सिंग करके क्रिएट कर लेती हूँ बैठे बैठे घर में। अच्छा, जैसे इन्होंने खुद ही कह दिया ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ऐसा ही कहा था ना जी? जी, मैंने क्लिक किया, करती रहती हूँ मैं ना इसमें, जो अच्छा लग रहा है। स्टाइलिस्ट हो तो करोगी, क्यों नहीं करोगी? और पता है स्टाइलिंग बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल, स्टाइलिंग को इतना इजी नहीं लेना चाहिए, स्टाइलिंग मुश्किल। और पैसे बढ़ा दो, और पैसे बढ़ा दो, ऐसा बोल बोल। पता है मैंने ये चीज़ आपको मालूम है, मैं बारहा ये बात कहती हूँ कि अब जो लोगों ने बहुत आसान स्टाइल कर दिए, एक्सटेंशंस लगा देते हैं और दुल्हन बना देते हैं, तो लेकिन ये कि पहले ये नहीं होता था, पहले आपको सबसे पहले जो है आपको मतलब हेयर डू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, आप स्टाइल में मेहनत करते थे, बनाते थे, और ये आपका जो हैंडवर्क होता था वो नज़र आता था। अब जो हर ब्राइट हर मेकओवर पार्टी मेकओवर एक जैसा लगता है, क्योंकि सबने एक्सटेंशंस लगाई होती है, तो मैं प्रिफेयर करती हूँ कि मैं ब्राइट को ये चीज़ ना दूँ, स्टाइल दूँ। ठीक ठीक, हर किसी का, लेकिन लुक में भी अगर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन लोग मांगते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक और चीज़ भी है कि ना कभी कभी ब्राइट के जो बाल हैं वो इस काबिल नहीं होते, जैसे कम होते हैं, थिक नहीं होते, या वो केमिकल या कुछ चीज़ को नहीं यूज़ करना चाह रही, तो फिर हमें ऑफ कोर्स उसको मैनेज करना, क्या इजी है ना, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्राइट भी चाहती है कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो वो उसको मतलब वियर कर सकती है आसानी से, तो कैरी कर सकती है, बहुत मुश्किल है। अच्छा यार, मुझे अब थोड़ा सा, मैं चाहूँगी बताएँ कि ऑफ कोर्स बहुत सारे ब्रांड्स ब्यूटी इंडस्ट्री में मूव कर रहे हैं, हेयर केमिकल्स भी हैं और कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा आ गए स्किन से रिलेवेंट, क्या समझते हैं यार कितना फ़र्क पड़ा है आगे ग्रेजुअली, कितने ब्रांड्स जो हैं वो ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो गए? देखो साबित, दरअसल बात यह है कि आपको पता है कि पहले मैं होस्टिंग करती थी, तो मैं एक रिप्रेजेंट करती थी कॉस्मेटिक को, आई रियली आई लव डेट, मैं बाकी उससे बहुत पसंद करती थी, और वो पाकिस्तानी मीर था, और उसको ये है कि काफ़ी अर्सा मैंने उसको लेके चली हूँ और प्रोग्राम करती रहे उसको, तो उसमें ये है कि उसकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती थी। अब हम कंपेरिजन, हमारे पास तो हर तरह का स्टॉक होता है, बाहर का भी है, यहाँ का भी है। मुझे याद है कि मैं श्रीलंका गई थी, तो मैं क्योंकि कंपटीशन में जब जाती थी, तो मेरे पास मतलब हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि ब्राइडल में हमें मतलब आगे बढ़े, और लाजी बात है विन करने के चांसेस होने चाहिए थे, तो वहाँ पे फैंटेसी वगैरह में भी मैंने मतलब पार्टिसिपेट किया था, तो वह हम लोग मेकओवर अब यहीं कहीं लेके जाते थे कि लाजी बात है फैंटेसी वगैरह में भी हमें यूज़ करना पड़ता था, और बाहर का भी कॉम्बिनेशन। देखिए हमेशा हर चीज़, हर कंपनी की हर चीज़ आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, अगर आप मल्टीपल चॉइस रखते हैं तो आपको हर कंपनी की कोई ना कोई चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। आपको पता है जैसे मैं अभी जिस कॉस्मेटिक का बता रही हूँ उसका कंटूर का जो ब्लश है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इतना अच्छा होता है क्योंकि उससे कंटूर बहुत अच्छा होता है, और वो एक तरह का फिक्सर का काम करता है, मतलब जैसे हम कंट्रोल करते हैं तो वो कहते हैं ना हवाओं में उड़ जाना, तो थोड़ी देर के बाद आपका तब पता नहीं चलता, लेकिन हर तरह की हर कंपनी में कोई ना कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, जैसे किसी का फाउंडेशन बहुत अच्छा ये है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे दो तीन मैंने व्यूज़ लिए सबके, तो उन्होंने कहा यार उस कंपनी का ये अच्छा है, उसका आई शेडो अच्छा है, उसका बेस अच्छा है, उसका फिक्सर अच्छा है, उसका कॉम्पैक्ट अच्छा है। अच्छा, कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक नहीं जिसकी टोटल तमाम चीज़ें गुड हों, ये होता है आई शेडो किसी का बहुत अच्छा है, दूसरी कंपनी का आई शेडो ये क्या वजह है? ये बात नहीं है, अगर मैं अब बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करती हूँ, मैंने एक वहाँ पे मेकओवर किया था, मतलब लाजिम बात है कि क्रिश्चियन ब्राइड बनाई थी श्रीलंका में, और अच्छा वहाँ के कंपटीशन में उनके मैं तो बहुत आगे आगे रहती थी, और श्रीलंका में ब्राइड कंपटीशन, तो वहाँ पे वाइट उसने वियर किया था मैक्सिको, लेकिन ये एक बात बताएं, लेकिन बात दरअसल ये होती है कि जरूरी नहीं होता आपको आप वहाँ जाके अगर विन नहीं कर सके, लेकिन मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ये था कि आपने पार्टिसिपेट किया है, और इससे बढ़ के ये था 2007 में वहाँ का एक लाइफ अखबार है सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी पिक्चर आई थी वो मेरी ब्राइड की आई थी 80 ब्राइड्स में। अच्छा, वहाँ पे भी ये सिस्टम है, अपना अपना अंधा बांटे रेबड़ी अपनों को
देखिए वहाँ पे लाइफ जैसे अखबार श्रीलंका का था ना, तो वहाँ इतनी इतना कंपटीशन टफ था, लेकिन अच्छी लगी तो मेरी ब्राइड की। अब देखिए हमने चीजें, अब उनके पास कितनी चीजें होंगी, ब्राइड्स उनके ग्रूम्स उनके कितने जबरदस्त होंगे। बात सिर्फ ये होती है कि आपको अट्रैक्ट क्या चीज करती है। तो मेकओवर के हवाले से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए जरूरी नहीं है, मैंने उसमें एक ही कंपनी का किया था और वो उसमें देखिए मेकओवर ग्रेट हो। अच्छा हम लोग इस स्टाइल के जी हाँ है ना, जो लेयर्स मैंने छोड़ी थी ना, यस, अब उसकी मैं बना रही हूँ फिश टेल। ओके, यहाँ से लेयर ले लेके ओके लेयर में से जितना अगर देखना है कि थिकनेस इतनी होगी मछली की दुम बना रही हूँ हम तो यही सुन रहे हैं। जो बाल आपने छोड़े वहाँ से अब ले रही हैं जी, जो लेयर्स मैंने छोड़ी हैं से ले, और जो हमारी जो ये जो मांग है हमारी, इसको अपने हमने नोटेड में रखा है, इसके बीच में सेंटर में आई है ना। क्या बात है यार, जबरदस्त। इसीलिए कहा ये मेरी क्रेश, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, इसे मैं जब भी बुलाती हूँ ना, ये कुछ ना कुछ यूनिक ही सिखा के जाती है, बहुत प्यारा जबरदस्त। ये देखें जी नाज़रीन, इस वक्त है ना कोमल मेजरमेंट मौजूद है। अच्छा, हाथ टाइट रखेंगे हम। अच्छा जी, हाथ और टेक्निक बताओ छुपी रुस्तम, और बताओ जब बताना है सारा बता देना, आना चाहिए सब। नहीं नहीं, और आप लोग बिल्कुल अगर किसी ने भी कुछ कोर्स करना है हेयर स्टाइल से रिलेवेंट, तो आप ऑफ कोर्स मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं हिना को रिकमेंड कर दूंगी, ठीक है। नंबर 03158248704, नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है, आप हमें रब्ता कीजिए। और हिना से अगर आपने किसी ने बात करनी है या कुछ कोर्स करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फ्यूचर है रीजा के, आगे क्या सोचते हैं कि ब्यूटिशियंस का फ्यूचर क्या नज़र आता है? सलून्स जगह जगह बन गए हैं, हर कोई अपनी मर्जी से, ऑफ कोर्स ये मैं ये कहूँगी कि हर खातून को ये बहुत इजीएस्ट जो है ये कोर्स कर सकते हैं। असल मतलब थोड़ा माशी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया इस वजह से कि आप देखिए जॉब्स नहीं है, जेंट्री तबके में तो बिल्कुल जॉब्स जो है नहीं है, मुश्किल हो गई है। अब ख्वातीन के लिए ये है, हर ख्वातीन को मैं ये कहना चाहिए कि हर औरत को उसकी ज़रूरत बन गई है, ठीक है, ठीक। अगर वो जॉब करती है या टीचिंग करती है या किसी फैक्ट्रीज में काम कर रही है या किसी कोई भी बैंक में जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा आपकी प्रेजेंट काउंट करती है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती तो आपको जॉब पे भी कोई नहीं रखता। बिल्कुल, बच्चे अब जैसे एक टीचिंग एक टीचर कर रही है तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी एक एक चीज़ को वॉच करते हैं, उन्होंने आज क्या पहना, बिल्कुल आज हमारी मिस ने ये पहना था, आज हमारी मिस ने इतना अच्छा, हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और कैमरे मैन और MCR शहजाद भाई खास तौर पर ये बाल कौन से लगे, चमक बहुत रहे थे ये कल ही इन्होंने कहा मुझे ना, मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो ये अच्छा है। और कल आपका वो कलर जो है ना वो बहुत ये हम कुछ अच्छे काम को प्रेजेंट करने के लिए पॉइंटेड करते हैं। अगर आप आज नई ड्रेसिंग करेंगे, आपकी अच्छी ग्रूमिंग नहीं होंगी, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा वाइट किया जाएगा, ठीक। एक फर्ज कीजिए कि जैसे मैं एक हिजाब ले रही हूँ तो मुझे अपने हिजाब में भी एक अट्रैक्शन पैदा करना है, यानी कि मुझे अपनी ग्रूमिंग ऐसी रखनी है कि वो भी अच्छा लगे। तो मेन ये होता है कि आपकी ड्रेसिंग, आपका रख रखाव, आपका बोलना, ये सारी चीज़ें। अच्छा मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, देखिए बहुत प्यारी बात कही है कि आपका जो आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं तो वही होता है। अच्छा इसमें कोई एक्सपेंसिव चीज़ की बात नहीं है, आपको उस चीज़ को कैरी कैसे करना है, आप कम बजट में भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल काम कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं होता। हाँ। और बहुत जगहों पे ऐसे जैसे कभी कंपटीशंस में जाना होता है एज ए जजेस के तौर पे, मैंने एक चीज़ बहुत नोट की है, हम अभी ऐसे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एक ब्राइडल कंपटीशन था, जैसे जज वहाँ गई थी, तो मैं हम लोगों ने जो नोट किया वो ये नहीं था, वो एक दो ही मेकअप था और उसमें चीज़ें जो थी पॉइंट टू पॉइंट देखनी होती थी। ओके, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में जैसे लोगों ने बहुत भड़कीले कपड़े पहनाए हुए थे बहुत, वो लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि आपकी बेशक कपड़े सादे हों लेकिन आपको कैरी करना आना चाहिए, बहुत अच्छी उसके साथ आपकी क्या चीज़ें हैं और जिस चीज़ों को हमने आपको दिया है
टारगेट उसको पूरा करना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, ये आपके काउंट की जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप कहीं जाती हैं तो आपको वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखनी पड़ती है। तो मेन चीज़ ये है कि सारी चीज़ें जो है, ये नहीं है कि बहुत आप एकदम लाइवली खर्चे कर रहे हैं, उससे खूबसूरती नहीं आती, खूबसूरती नहीं आती। वो सिर्फ आप बता सकते हैं कि हम इतना एक्सपेंसिवली प्रेजेंट करें। अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि आप लोगों का जो है कितना रह गया गुड़िया आपका? थोड़ा सा बड़ी प्यारी लग रही है ना, बहुत जबरदस्त। जी नाज़रीन, आप देखें स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा और घुमाओ चंदा। आइए, वाह 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 शहजादी, मुश्किल तो हो रही होगी, लेकिन नाज़रीन देख रहे हैं बहुत जबरदस्त प्रेजेंट हो रहा है। ये आप देखें ये कितनी खूबसूरत, इन्होंने दोनों तरफ जो है वो पहले बड़ी प्यारी सी चुटिया सी बनाई है और बड़ी क्रिएट करके, मैं तो चुटिया ही कहूंगी। और ये बताएंगी टेक्निकल क्या लैंग्वेज में बताते हैं? डिच। ये आप हम सबको डिच कर रही हैं, मैं सच बता रही हूँ। मैं कहां से इंग्लिश बना रही हूँ ये देखें आप। तो आप अब हम उन अल्फाजों को कहीं और लेके जा रहे हैं, हमें धोखा दे रही हैं, डिच कर रही हैं, और ये हमको बता भी नहीं रही हैं कि क्या है। अच्छा जी गुड़िया, आपका डन हो गया? वरीषा जी, वरीषा की आंखें बंद करो गुड़िया। यस, आप इनको क्लोजअप में हम देख सकते हैं थोड़ा सा दोबारा उसी जगह पे। यस, ये देखें जी क्लोज में, वाह भाई वाह, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। ओह गुड हो जी। अच्छा जी, हम कोमल की तरफ चलते हैं ना। कितना रह गया चंदा, दिखाओ मुझे। रह गया ये कितना, इसके अंदर फिर बीट्स लगेंगे? जी बस बीट्स लगेंगे, बीट्स ना भी लगाएं तो ये एनहांस हो रही है, थोड़ी थोड़ी बीट्स लगा के बस नीचे। अब बताते जो रिपीट करो और बताते जो बोलते जो शाबाश। देखिए मैंने इसमें से एक लेयर ली और इसी में जो मैंने लेयर छोड़ी थी उसमें लेयर मैंने ऐड कर दी गई, ये फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको इसमें से ऐड किया ताकि ये हमारे खुले नहीं, लूज ना हो। और जो लेयर मैंने यहाँ से ली हुई थी उसमें से मैंने हाफ करके इसी में ऐड कर दी। ओके, मैं चाहती हूँ जरा सा कितना रह गया ताकि मैं कहूँगी फिर हम लोग ना सॉन्ग रेडी हो जाए तो हम फिर सोनिया की जो है ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन दिखाएं, वरीषा की, सॉरी सोनिया की नहीं, सोनिया तो मॉडल है, वरीषा की जो है उन्होंने स्पेशल जो ब्राइड बनाई है उसकी हम लोग आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दें। बस ये थोड़ा सा रह गया जी, थोड़ा सा रह गया है। और एक काम करो, आप यहाँ पर बैठ जाओ और डमी अपनी तरफ ले आओ, ठीक है? आप बैठ जाओ, आ जाओ। चलिए जी आए, आप आ जाओ, क्या नाम है सोनिया, आप आओ। सॉन्ग प्ले हो गया, रेडी है? अच्छा जी थोड़ा रुक जाए। सोनिया, सोनिया कितनी प्यारी लग रही, आ जाओ सोनिया, आप इधर आ जाओ, जब तक आप जाओ सोनिया, कम ज्वाइन विद अस। अच्छा रीजा, जो बड़ी काउंट की जाती है ड्रेसिंग कलरिंग, आजकल ड्रेसिंग में कलर चाहता ना कि अपनी पसंद के चल रहे हैं या कुछ खास स्टाइल? इस बार तो मौसम ही बड़ा शोर चंचल है। आए, 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 आए। बरसात है, मौसम बादल है, उसमें कलरफुल जितना भी आप पहन सकें पहने। हाँ जब गर्मियों का सीजन होता है तो फिर ख्याल करना पड़ता है। तो अब तो सर्दी और आ रही है, बस सर्दी क्या, अभी तो बारिश की आमद रफ्त है, आती रहेगी जाती रहेगी। कुछ होम रेमेडी बताएं हम स्किन को ग्लो कर सकते हैं, कुछ ऐसा जहन में चल रहा है? अभी नुस्खा इतना अच्छा तो दिया था डॉक्टर साहब ने, रेकी का, रेकी से हटके बताएं ना मेरी जान। अच्छा उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैं सुन रही थी, मैंने बहुत अरसे बात दोबारा से थोड़ा सा उनकी बातों में खो गई, अच्छा बता रहे थे वो। और क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है इंसान के अंदर होती है और आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा चमकाती है, आप जब पॉजिटिव होते हैं आपकी जितनी पॉजिटिविटीज़ होती हैं आपके अंदर आती है, और जब आप नेगेटिव रहते हैं तो ये समझ लें कि वो हर तरह की लेयर के जो होते हैं ना वो तालों को तोड़ती हुई आपके अंदर आ जाती है। क्या आप यकीन करें कि आपके अंदर सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी है जो आपको चमकाएगी हर लिहाज से, खुश शाइन ख्यालात, खुश शाइन आपके कारोबार, जो जो आप मंसूबे बनाते हैं उसमें हर चीज़ में आपको पॉजिटिव रहना है। जो हमारे पास नहीं है उसका अफसोस नहीं, शुक्र है रब। लेकिन फिर भी आप घूम रही हैं, लेकिन अभी मैं वापस आऊँगी, मुझे होम रेमेडी बताइएगा, आप ज़रा घुमाएं ना ब्यूटिशनों को। चले जी, सॉन्ग इज रेडी एंड वरीशा ब्राइड इज रेडी एंड वरीशा प्रेजेंटेशन इज रेडी। यस, I'm not the one who's running out of time.
कोमल जगह दो, वहीं पे बैठ जाइए ताकि बड़ी खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है, बैठ जाओ। अच्छा जी नाजीन, हम लोगों ने देखा वरीक्षा ने बड़ी जबरदस्त ब्राइड बनाई, और है ना कितना रह गया आपका चंदा, बीट्स लग गए। ओ देखे ना, एक वक्त में दो दो काम हम लोगों ने देखे। हमारे मॉर्निंग शो का ग्लैमर है वो है ब्यूटी सेगमेंट। ओ माई गॉड, ये देखिए इनका जबरदस्त ही ना, और आगे ज्वेलरी पहना दी उस बिचारी को। आपने लेफ्ट साइड की पहले बनाई हुई थी और मैंने उस साइड की आपने टाइम भाई प्रैक्टिस हो गई है मॉर्निंग शो की मेरे कि सभी के टाइम को कैसे बचाना। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा जबरदस्त। और जी हम लोग को परीक्षा आपने बहुत प्यारा काम किया, अच्छा लगा आपको यहाँ पर आना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम क्या बनाओगी, कोई क्रिश्चियन ब्राइड बनाओ, काम बहुत प्यारा है तुम्हारा, बहुत प्यारा। फिर जब आने लगोगी बोलना भी आ जाएगा। ये भी शुरू में आई थी ना, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती। तो अभी स्क्रीन हर कोई रीजा देखो, आप इतने एक्सपर्ट हो ना, हर किसी का फेस जो मतलब बोलने का एक्सपर्टीज ना, टैलेंट इसमें, ये नहीं कि बच्ची में टैलेंट नहीं है इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा स्क्रीन पहली दफा में होता है, पहली दफा में होता है। मुझे याद है कि मैं भी जब कभी जाती थी एज ए गेस्ट जाया करती थी, क्योंकि बोलती बहुत थी ना, वहीं से ऑफर हो गई। और फिर तो बहुत सारे लाइव प्रोग्राम्स करती थी, तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी करती थी, लेकिन लाइव ज्यादा किया है मैंने। हाँ। ज्यादातर तो मुझे लाइफ में मजा भी आता था, टाइम बचता है ना, कोई कितना टाइम नहीं होता था मेरे पास, तो लाजवाब मैंने काफी सारे चैनल सिटी हमारी होम रेमेडी घूम गई है। होम रेमेडी बताइए। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश लगे और बड़ा ग्लो सा आता रहे, तो शहद का एक चम्मच लीजिए आप, ठीक उसमें, ठीक है, एलोवेरा उसमें आधा चम्मच दे लीजिए, ठीक है, दो, ठीक है, और उसमें अड़के गुलाब, ओके, रोज वाटर अच्छा होना चाहिए, ये हो गया ना, तो वो आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह मैश कीजिए, ठीक है। पहले आप अपना चेहरा क्लीन करेंगे किसी भी अच्छे क्लींजर से, ओके, यानी कि डर्टी वगैरह स्किन ताकि वाइप हो जाए ना अच्छी तरह। उसको वाइप करने के बाद फिर आप वो मास्क लगा लें 20 मिनट के लिए, ठीक है। और खीरे के पीसेस पहले से काट के रख लीजिए, वो अपने आईज पे रख लीजिए, तकरीबन 20 मिनट के लिए आप सो जाएं, यानी आंखें बंद करके रिलैक्स इसीलिए तो किया जा रहा है। लेकिन हमेशा याद रखें, जब भी घर में कोई बेशक छोटा सा मास्क आप लगा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले अपना मोबाइल ऑफ, ठीक है, वो डिस्टर्ब, और ये जो सुन रहे हैं ना ये भी ऑफ, ताकि आपको बार बार अपनी रिंग आपको तंग ना करे। और कोशिश करें किसी की ड्यूटी लगाएं कि अगर कोई बाय डोर नॉक हो रहा है तो वो भी आप ना जा सके, ठीक है। तो 20 मिनट आप कंप्लीट रेस्ट करें, ठीक, फिर आप अपना चेहरा देखें वॉश करने के बाद। अच्छा ये मास्क है या मसाज करके? यार ये मसाज नहीं, मास्क है, मास्क लगा के आप जब आप वॉश करेंगे तो हल्का हल्का रबिंग करके उतार लें। अच्छा इसको आप कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लींजिंग करके आपने लगाना है, ठीक है, आप फिर इसका असर देखिएगा। असर है, जादू है, है ना, ये असर नहीं है, जादू होगा, जादू मैजिक। अच्छा हेयर ट्रीटमेंट से रेलेवेंट आप मुझे बताइए कि हमारे हेल्दी बाल हो उसके लिए हम लोगों को क्या करें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए बालों में प्रॉब्लम्स बहुत है, इंटरनल केमिस्ट्री को कोई नहीं देखता। मैं सबसे पहले अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं ये कहती हूँ आप सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, कैल्शियम, इसका टेस्ट लाजमी करवाएं। जब आप यकीन कीजिए बाल गिरने की वजह काफी हद तक ये होती है, ठीक है। और यार बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है और शुगर प्रॉब्लम होती है, वो भी कॉज है आपके बाल गिरने का। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो आप देखिएगा बाल फौरन रुक जाएंगे और निकलना शुरू हो जाएंगे। Really? क्योंकि वो उसका कॉज है ना उतरने का। अच्छा अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तब भी आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, उनमें जान नहीं, लाइफ नहीं रहेगी। अगर विटामिन डी कम है तब भी आपका ये प्रॉब्लम है। और आप बहुत जगहों पर मैं बारहा कहती हूँ, देखें अगर जब लोगों के बाल ज़्यादातर वाइट होने लगते हैं तो वो ए डी और हीमोग्लोबिन, ये तीन चीजें ऐसे इसके टेस्ट करवाने हैं। इनटेक हम लोगों को उस क्या वेजिटेबल क्या खाने, देखिए अक्सर मल्टीविटामिन खाने में, वैसे तो ओरल आप खाएं, लेकिन ओरल में देखें जैसे फिश है, मिल्क है, बटर है, हम लोग डाइट में लग जाते हैं, डाइट से बाल आपके खराब होते हैं। आप थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल इस तरह कर लें जैसे कि फर्ज कीजिए कि आपका वेट नहीं गिरता तो आप थोड़ा 13 घंटे की या 16 घंटे की डाइट पे चले जाएं, ठीक है, यानी कि आप सारा दिन खाएं और फिर शाम को आप 5 बजे से 6 बजे के दरमियान अच्छी तरह खा के उसको स्टॉप कर दें, और फिर अगले नेक्स्ट 7 बजे के करीब आप नाश्ता कर लें तो आपके ये आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ये देखते हैं कि हम कहते हैं ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल काम है,
अब ट्रीटमेंट के लिए देखें बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो आपका, जैसे आप लोग ने बादाम का तेल सरसों में मिला के लगाए तो बालों की कंडीशन बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं बदलती, बदल जाती, बिल्कुल, बिल्कुल, बदल जाता है, हेल्दी होता है बाल भाई, उसको प्रोटीन वगैरह। प्याज का पानी है उसको आप थोड़ा सा मतलब काटने के बाद उसको थोड़ा सा ग्राइंड करें, उसका पानी निचोड़ें और नहाने से दो घंटे पहले लगा लें। ये भी बता दें जड़ों में लगाना है, बालों में नहीं लगाना? जड़ों में लगाएं, जड़ों में वो पता चले पूरे बालों में। अच्छा ये एक बात मैं बताऊं, थोड़ा बताना पड़ता है साहब, ये इसकी जब लगा लेते हैं तो बदबू नहीं आती। मेन नहीं, मुझे तो पता है, मुझे तो मेरी जान पता है। मैं वो मुझे ये भी मैंने उसमें पढ़ा है कि बालों पे लोग लगा लेते हैं, वो नहीं अपने जड़ों में और यकीन करें कुछ देर बाद वो स्मेल पता ही नहीं चलता कहाँ गई। अच्छा इसी तरह बहुत सारे नुस्खे होते हैं, जैसे आप आजकल गर्मियां हैं, वैसे तो खैर अभी मौसम थोड़ा सा वैसा है और ना धूप इतनी निकलती है, आप दही और जो है अंडे की जर्दी, ठीक है, उसका आप जो है मसाज करें अपने बालों में, उससे के बाल आपके हेल्दी हो जाते हैं। बालों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रोटीन, लेकिन कुछ लोग पता क्या होता है रिजा, इस पर कोई, मैं ये नहीं कहती मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग केमिकल से ज़रा अवॉइड करते हैं। अच्छा ये केमिकल नहीं होते, देखिए बहुत बहुत दफ़ों पर ये होता है कि बाल जो होते हैं आपका ड्राई हो जाता है, कितना डाई करते हैं, कितनी स्टिक्स करते हैं, आप तो ये कोई अच्छी चीज़ें तो नहीं आती। देखिए फैशन तो फैशन है, लोग करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। अब तो मैं न्यू जनरेशन को मना करती हूँ, मैं कहती हूँ आप स्टिक्स अभी इसमें ना पड़ें आप, क्योंकि बाल देखें आपकी ग्रो जो एज कर रही है ना उसमें आपके बाल डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ क्योंकि रूट से फिर वही वाइट बाल निकलते हैं ना, तो उसको टचिंग भी। यार साहब मुझे याद है आपके बाल बहुत खूबसूरत थे, लंबे, इन्होंने थे लगा के मुझे था थी कर दिए मेरी नहीं मेरे बाल वाकई में मेरे हिप से नीचे बहुत लंबे बाल, घने लंबे। देखिए बहुत कम बाल ऐसे होते हैं जो इतने खूबसूरत बाल, असल में पता क्या, हम लोग जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ना, सही बात, उसको डेली जो है ना, मैं आप स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रही हूँ डेली, मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट होता है जहाज में, सच बताऊँ मैं हार वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, तो वो आयरन कर रहे हैं तो कहते हैं सभी तुम तो दो घंटे पहले आयरन करवाया करो, वो इतने लंबे मेरे हेयर, तो वो आयरन करते हुए बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसका स्टाइल बनाने में उसको समझ नहीं कितने लंबे बाल, अब खुद सोचो मेरे हिप से नीचे बालों तो मेरे कितने लंबे बाल होंगे माशाल्लाह, तो वो मेरे बालों की वजह से पहचानी जाती थी, अजीब वही लड़की जिसके लंबे बाल बहुत, तो अब मेरे बालों को जरा सा मैंने काट दिया, बहुत सारे लोग बहुत नाराज भी हुए, दिल दुखाना यार तुमने क्यों कटवा दी। वक्त के साथ साथ ना चेंज क्या करें, चेंज तो करना है ना, आपकी फील्ड ऐसी है कि आपको हर वक्त प्रेजेंट करना है अपने आप। हमारे एक आर्टिस्ट है गजल है, हम पे होस्टिंग करती थी, उनके बाल बहुत लंबे, मारवी ड्रामे में उन्होंने काम किया था, उनके इतने लंबे बाल, उन्होंने भी इतने करवा दिए, और हमारी फिल्म स्टार नूर उनके बाल इतने लंबे, मेरे से भी वो बहुत लंबे थे, उन्होंने कटवाए, और काफी ऐसी आर्टिस्ट थी वो नहीं मैनेज कर पाई ना, मेरे बाल बहुत लंबे थे, आपके घने भी बहुत थे, घने भी बहुत थे, तो कटवा दी क्या मतलब? नहीं अभी भी है माशाल्लाह, क्योंकि अभी कवर किए हुए, तो इनके बाल घने के साथ साथ, सॉरी लंबे लंबे होने के साथ उनकी थिकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मोटा बाल था, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र अभी कुछ है, कुछ ना कुछ है, जुड़ा बन गया। चले जी, हम लोगों को बहुत मजा आया, हम लोग सबसे छोटा छोटा मैसेज देंगे, और साथ में ये आखिर में जो है ये मायरा ने जो डिश बनाई वो जरूर प्रेजेंट कर दीजिएगा लास्ट में। अच्छा जी मॉडल, एक बार फिर मैं चाहूंगी जरा स्क्रीन के ऊपर इनको एक बार दिखा दिया जाए, बड़ी खूबसूरत लग रही है, फिर हम इनके हिना कोमल के उस पर भी चलेंगे और हेयर स्टाइल के ऊपर भी, और किस पे जी हम बताएं जी, मॉडल को दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, क्या बात है जी, नजर आ रही है बिल्कुल बैठी हुई है, और हिना कोमल साथ साथ ना कुछ मैसेज भी दे दीजिए। ये कहूंगी आप जो भी चीजें करें, जैसे बाल अभी उन्होंने कहा जी, जी। आपके बाल बड़े होते हैं लेकिन उसके बाद एहतियात भी जरूरी होती है, वो टिप दे दो अभी ताजी ताजी बालों के हिसाब से। हाँ, स्किन के देख लेना, स्किन पे ये था गलत। अच्छा गंजे होने की टेक्निक बता दो, जो भी आपको जो अच्छा लगता है, एलोवेरा जो है ना वो स्किन पे भी हम यूज कर सकते हैं, गुड बालों में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा नहीं, आपके पास कोई होम रेमेडी है स्किन की? वो बात करिए, कुछ दिमाग में चल रहा होता है ना यार इसमें ऐसी चीज ऐड कर लीजिए, तो आपके पास जो होता है ना ड्राई मिल्क, जो होता है ड्राई मिल्क के अंदर हमारे पास जो घरों में एलोवेरा लगा होता है
जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर इजाजत चाहेंगे और एक बार फिर वही कहूंगी कि कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डिश।